नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, राहुल गंदगी ने एक नया काम कर दिया। रोज ही नया काम करता है। अब उसने बोल दिया कि भारत माता क्या है, भारत माता को भी गाली निकाल दी। अब इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं डिटेल में। और उसने इस प्रोग्राम के अंदर जिसमें उसने बोला भारत माता क्या है, उसमें उसने ये भी बता दिया कि भाई पूछ लिया लोगों से आपकी जाति क्या है। भाई जाति जाति बहुत ज्यादा कर रहा है। आज हम सबसे पहले तो ये बोलते हैं अपनी जाति तो बता दे राहुल कालनेमी, तेरी जाति क्या है। भारत माता को गाली दे रहा है आपका लाडला जस्टिस गवई, सुन रहे हो ये क्या कर रहा है। फिर मत कह देना बैड इन टेस्ट था, कोई चक्कर नहीं है, माफ कर दो, ये तो होता ही रहता है। और जो कन्हैया लाल था, इन्हीं के स्टेट में उसकी गर्दन काट दी गई थी। उसके ऊपर आप सुओ मोटे नोटिस कब लोगे। करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आज। गवई तो चलो इसका अपना ही आदमी है, तू भी इसका ही आदमी है, इसलिए तुम्हारे से ये क्वेश्चन पूछना बनता है। वी नो कि जो हिंदू आदमी था कन्हैया लाल, इसलिए आपने सुओ मोटिस नोटिस नहीं लिया। अगर यही किसी मुसलमान की हमने गर्दन काटी होती, तुमने रात को 12 बजे चीख चीख कर कोर्ट खोलनी थी, सुओ मोटे नोटिस लेना था, और 1 घंटे के अंदर तुमने गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर देना था। लेकिन बिकॉज ये कन्हैया लाल है, तुम्हें परवाह नहीं है। कोई बात नहीं, चहेता जैसे तुम्हारे मुसलमान है, वैसे ही तुम्हारे चहेता ये राहुल गंदगी भी है। चलिए अब चलते चलते राहुल गंदगी के ऊपर बात करते हैं, उस बयान के ऊपर जिसमें इसने भारत माता को गाली दी। राहुल कालनेमी पूछ रहा है कि भारत माता की जय के नारे सब बोलते हैं। उसने बोला मैं भी बोलता हूं, जबकि जो बोल रहा था उसने बोला भारत माता पॉज फॉर 2-3 सेकेंड्स की जय, वो बड़ा साइलेंट था और उसने ये बोल दिया। और ये तो क्या, इसके कांग्रेसी है जितने भी हैं, कोई भी भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलते, तौहीन समझते, इनको लगता है मुसलमान की वोट इनके हाथ से निकल जाएगी। दैट मीन्स मुसलमान ने ये तो क्लियर कर दिया कि वो भारत को अपनी धरती नहीं मानते, इसके ऊपर फतेह करने की बात करते हैं। अपनी ही जगह के ऊपर फतेह कोई भी करता नहीं है। जब वो अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं इसका देश के साथ, दैट मीन्स ये देश उनका है ही नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर बैठे क्या हो यहाँ पर करने, अगर तुम्हें फतेह करनी है तो हम भी तुम्हें फतेह नहीं करने देंगे। 1400 साल से तो तुमने ट्राई कर ली, कुछ नहीं कर पाए, अब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, समझे। तो इसलिए कांग्रेस ही है ये राहुल गंदगी, ये पूछता है भारत माता की जय का नारा बोलते हुए कि भारत माता है क्या। हर जाति के कितने कितने लोग रहते हैं भारत में, किसकी कितने हिस्सेदारी है, क्या वो सब भारत माता के लोग नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बार बार जाति जाति जाति, जबकि इनके पूर्वज जो थे वो कहते थे जाति के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल को गंदगी फैलाने का आदत है, इसलिए इसने ये काम कर दिया। चलिए, राहुल कालनेमी ने हद तो तब कर दी जब उसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत माता की जय के बजाय अडानी की जय बोलनी चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि कालनेमी ने कहा कि मोदी भारत माता की जय कहते कहते हैं और अडानी के लिए 24 घंटे काम करते हैं। मैं इस विषय के ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि राहुल गंदगी बार बार अडानी का नाम क्यों लेता है। बहुत ही सोची समझी एक साजिश है जो चाइना से बनाकर इसको पास दी गई है, ये उसकी टेप को चलाता रहता है। पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए, आप चिंता मत करो। और ये जो मोदी जी हैं, राहुल गंदगी ने बोला मोदी जी चाहते हैं दो हिंदुस्तान बन जाएं, एक हिंदुस्तान अडानी के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। चलो इसको ये तो समझ आ गई है कि जो भारत में प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये गरीबों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ये गरीबों के लिए भी एक कंट्री अलग से बनाने वाले हैं जिसमें 20-25 करोड़ जो जिहादी हैं उन्हें अलग कर दिया जाएगा, उसके लिए हम एक अलग से जगह बना देंगे, जैसे राहुल गंदगी चाहता है। उसका नाम होगा पाकिस्तान, जो ऑलरेडी है उसके अंदर हम 25 करोड़ के 25 करोड़ जो जिहादियों को भेज देंगे। तो वो साथ वैसे भी गरीब कंट्री है, गरीबों के लिए वो अलग कंट्री है ही है, इनको हम वहां पे भेज देंगे। तो ये तो मेरी अपनी सजेशन है, ये नहीं कि ये राहुल गांधी ने नहीं बोला, ना ही मोदी जी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि भाई
वहां पर जगह बहुत है उनके पास, उसके बाद अफगानिस्तान भी है, इधर बांग्लादेश भी है, तो हम तीनों तरफ हम ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज पर देयर चॉइस। तो मुसलमान जो कंट्री में हमारे हैं वो कौन सी तीन कंट्रीज में जाना चाहते हैं वो कृपया हमें बता दें, और अगर आप तीनों में से कोई चूज नहीं करते तो मैं चौथी ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको, उसका नाम है शिनजियांग इन चाइना। तो वो रास्ता बिल्कुल खुला है आपके लिए, आप कभी भी आना चाहिए, पूरा मुसलमान एरिया है, बड़े इत्मीनान से रहेंगे आप, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, आपको बस थोड़ा सा बंदे का पुत्र बन के रहना पड़ेगा यहाँ पर, वो आप रह लेते हो, आपको कोई इशू नहीं है। अब आते हैं दोबारा से, ये मुसलमानों को तो हमने बता दिया कि भाई इनके लिए अगला फ्यूचर क्या है 25 करोड़ जिहादियों के लिए। अब आते हैं राहुल कालनेमी। राहुल कालनेमी ने खुद तो बोल दिया कि भाई अदानी 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 करते रहते हैं मोदी जी, खुद जॉर्ज सोरोस, जिनपिंग कितने अच्छे हैं और उनकी पॉलिसीज के ऊपर काम भी करता रहता है, उनसे पैसे भी लेता रहता है, और हर वक्त क्या बोलता है अडानी अंबानी इनको गालियां बकता है। क्यों? इसे पैसे मिलते हैं चीजों को बोलने के लिए, और चाइना ने तो इसको स्पेशली बोला है कि जो कंट्री की तरक्की हो रही है, आज हम $4 trillion क्रॉस कर गए, और भाई तुम्हारे टाइम पर $2 trillion की इकोनॉमी थी 75 सालों में, और पिछले 9 सालों में $2 trillion हमने जोड़ दिए। दैट मींस अगर तुम्हारी गंदगी वाली फैमिली इस देश के ऊपर हुक्म नहीं कर रही होती और ये अपना गंद ना फैला रही होती तो आज हम भी अमेरिका चाइना से आगे निकले होते। तुमने 75 साल में 2 trillion दिए और 9 सालों में मोदी जी ने 2 trillion जोड़ के दिखा दिया, और तुम ये बोल रहे थे इसको इकोनॉमी का कोई समझ नहीं है, इस बंदे को ये कंट्री का भट्टा बढ़ा देगा, और तुम्हारा जो पूरा इकोसिस्टम है इसी काम पे लगा हुआ था। मोदी जी को ना तो फॉरेन पॉलिसी आती है और ना ही इकोनॉमी के बारे में कोई समझ है। चलिए अब यहां तक तो हो गया बात राहुल गंदगी की। अब राहुल गंदगी उर्फ राहुल कालनेमी ने भारत माता को गालियां भी दे दी, और इसकी जो हिम्मत है ये कहां से आती है, ये कभी आपने सोचा कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देता है, ये होता कैसे, ये कैसे जुटाता है ये सारा कुछ? ये जुटाई है जस्टिस गवई की गवाही के कारण। उसमें क्या किया, उसने फैसला दे दिया कि भाई जो इसको सजा दी है 2 साल की ये गलत दे दी। ये उसने एक बयान ही तो दिया कि मोदी सारे चोर क्यों होते हैं, ये एक बैड टेस्ट में एक स्टेटमेंट है, उसके लिए इसको 2 साल की सजा नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोला जो इसकी एमपी की सीट जो रद्द कर दी गई थी वो दोबारा से बहाल की कर दी गई। दैट मींस राहुल गांधी को मालूम है कि ये जौन सा मर्जी गंद डाल दे, सारी कोर्ट्स इसके फेवर में ही जजमेंट देती हैं, और अभी तो ईडी ने भी पकड़ लिए इनके 750 करोड़ की प्रॉपर्टीज जो इन्होंने चोरी करी इस देश की, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां से इनको बोल दिया जाएगा ईडी को सीबीआई को कि भाई ये तो दूध से नहाने वाले लोग हैं, दूध से धुले हुए नहीं है, ये दूध से नहाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर इन्होंने 700, 800, 5000, 10000 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी जब्त कर इन्होंने अगर अपने नाम पे कर भी ली तो थोड़ा सा बैड इन टेस्ट ही है, अदरवाइज कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। भारत के अंदर करोड़ों जो है एकड़ की जगह है, उसमें से अगर थोड़े से एकड़ इन्होंने ले भी लिए क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने भी कुर्बानी दी हमारे देश के लिए। तो ये जस्टिस गवई और ये जो करप्ट अपना सीजीआई है चंद्रचूड़, ये यही कुछ बोलने वाले हैं, इसीलिए ये इसकी हिम्मत जो है राहुल गांधी की ये बढ़ती जा रही है। और ये बोल रहा है राहुल गांधी, क्या बोला इसने, भारत माता क्या है, इसको लगता था कि लोग बोलेंगे सोनिया गांधी, मुझे ऐसा लगता है इसको लग रहा था कि लोग बोलेंगे सोनिया गांधी, और राहुल तेरी पोल डांसर माँ जो है ना वो इस देश की भारत माता नहीं है, और तू भी बेटा ऑफ भारत नहीं है, ना ही तू बन सकता है, ना ही तेरी माँ कभी बनेगी भारत माता। तुझे उम्मीद थी कि लोग ये बोलेंगे, मैं वहां होता तो मैं बोलता पोल डांसर, तो तुझे समझ आती कि हम तेरी फैमिली को कैसी नजर से देखते हैं और कितनी इज्जत देते हैं। इज्जत तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि 2 बार तो तू लोकसभा इलेक्शन हार गया है, 3री बार की तेरी तैयारी है। चलिए अब चलते हैं हम राहुल गंदगी की फैमिली के ऊपर, इसके चलो खानदान जो है ना इसका, उसके भी थोड़ा सा उधेड़ देते हैं। ये लोगों से पूछते थे जाति क्या है, आज हम राहुल की जाति निकाल के देते हैं। राहुल गांधी पुत्र किसका था, हो सकता है राजीव गांधी का हो, क्योंकि पोल डांसर के बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये राजीव गांधी का बेटा हो। राजीव गांधी किसका पुत्र था, उसका फादर का नाम था फिरोज गांधी। चलिए
फिरोज गांधी ये किसका बेटा था? वो बेटा था जहांगीर खान का। जहांगीर खान किसका बेटा था? जब्बार खान। जब्बार खान किसका था? मोहम्मद नासिर खान का बेटा। दैट मीन्स ये सारे खान, तभी ये सिर्फ देश को खाने के लिए आए हैं क्योंकि खान पीछे लगा हुआ है। तो ये तो है इसकी जाति। अब राहुल काल ने भी अपनी जाति भी बता दे यार, तेरी एक्चुअल जाति क्या है? गंदगी तो तेरी जाति भी लिखी हुई है, लेकिन दूसरी जिसको हम गोत्र बोलते हैं कुछ भी है, वो तेरा क्या है? वह खुद तो तू तो खुद तो जो है अपने आप को बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि तेरे अंदर ये ब्राह्मण के जीन्स कहाँ से आए। वो तेरी पोल डांस माम से पूछना पड़ेगा कि ये जीन्स तेरे अंदर ब्राह्मण के कहाँ से आए हैं। तो दैट मीन्स तेरी खुद की जो है जाति, उसमें तो थोड़ी मिक्सिंग लग रही है। और तू दुनिया से पूछता है जाति, उनकी ढूंढ रहा है। भाई पहले अपने से ढूंढ ले, तभी मुझे लगता है कभी कभी ये जाता कि भाई मैं हूं कौन। ये कभी फार्मर बन जाता है, कभी कारपेंटर बन जाता है, कभी दर्जी बन जाता है, कभी कूली बन जाता है, क्योंकि ये इसको लगता है कि शायद इसके कुछ जीन्स उनमें से आए होंगे, क्योंकि पोल डांसर में देखे किसी के भी जीन्स आ सकते हैं। चलिए ये हो गया पर्सनल अटैक, जो हमें हक है बोलने का अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो जो करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी हमें कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बैड इन टेस्ट ही हमने थोड़ा सा बोला है, अदरवाइज हमने कुछ ऐसी पर्सनल बात करी नहीं है। तो मैं जो राहुल गांधी से पूछता हूँ कि भारत माता क्या है, ये जो क्रिश्चियन पैस्टर है जॉर्ज पोनिया उससे पूछ लेना था, जिसने कहा था कि आपकी भारत भूमि जो बात माता जिसको हम बोलते हैं, इसकी गंदगी हमारे पैरों में लग जाती है, इसलिए हम जूते पहनते हैं। लगता है ये काल ने भी भारत माता को गंदगी ही समझता है। और भाई तेरे नाम के पीछे राहुल गंदगी लिखा है, तेरी पोल डांसर माँ के पीछे लिखा हुआ है सोनिया गंदगी। तो तुम्हें लगता है कि ये जो पैस्टर तेरा है ना, जिसने बोला था कि गंदगी हमारे पैरों में लगती है, अगर तुम्हें हमारी धरती इतनी गंदी लगती है तो बाहर निकल जाओ यार। तुम्हें किसने मजबूर किया है यहाँ रहने के लिए, या हमने तुम्हें न्योता दिया था? बाहर निकलो यहाँ से, गंद क्यों हमारे देश में रखा हुआ है? और तुम तो वैसे ही भी इस धरती को अपना मानते नहीं है, जैसे मुसलमान है वैसे तुम्हारा हाल है, तुमने भी फतेह करनी है तो बाहर निकलो यहाँ से। ये भारत की धरती सनातनियों की है और सनातन ही यहाँ रहेगा, तुम्हारी जगह ही नहीं यहाँ पर। अब राहुल काल नेमी, ये तुम्हें बताना भी चाहिए, राजस्थान में जो तुम्हारी ठकरोल सरकार है, इसने ठग लोग बनाने के लिए अडानी से 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करवाई, उससे पैसे लिए, रिश्वत भी ली होगी क्योंकि उसके बिना तुम कोई काम करते नहीं। और राहुल गंदगी, तुम ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं अडानी के 25,000 करोड़ रुपए के, उसके पीछे तुम कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते फिर रहे थे, ये तुम मना क्यों नहीं कर रहे थे? वैसे तुम पब्लिक में तो बोलते हो, नफरत दिखाते हो अडानी के लिए, और जब पैसे लेने होते हैं तो तुम सारे उसके नीचे लेटे होते हो, पूंछ हिला रहे होते हो कि माई बाप आप हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगा दीजिए। अब इस बात यहीं पर खत्म नहीं होती, एक और भी चीज है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है कालनेमी का, राहुल कालनेमी, इसको देना भी चाहिए एक जवाब। जवाब ये है, उदयपुर में कन्हैया लाल का सर तन से जुदा किसने किया था? ये तुमने मोहब्बत की दुकान जो खोली हुई है, ये किसके लिए? ये तुम मोहब्बत जिससे कर रहे हो, जिन्होंने गले काटे उनसे तुम मोहब्बत करते हो, और दुकान तुमने खोल दी हिंदुओं के लिए जहां पर हिंदुओं के गले काटे जाते हैं। इसका जवाब कब दोगे? ये तेरी जाति बताएगी या तेरी गंदगी बताएगी, ये बता हमें। और आज एक बार फिर मैं कहता हूं कि तुम्हें अडानी अंबानी राहुल कालनेमी को एक दिन इतना पागल कर देंगे कि ये भागता फिरेगा, इसे समझ नहीं आएगा मैं कहां जाऊं। अडानी अंबानी ये काम कर रहे हैं देश के लिए, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हर एक कंट्री में कोई ना कोई बिजनेसमैन होते हैं जो उस कंट्री को आगे ले जाते हैं। मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पर जो 10-15 बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने उनका पकड़ भी है कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और वही कंट्री को आगे लेके जाते हैं। अगर भारत में टाटा है, अडानी है, अंबानी है, तो उसमें फर्क क्या पड़ता है भाई? तू ये बता, तेरे पास कौन सा बिजनेस है? अडानी अंबानी से ज्यादा पैसे तो तेरी जेब में है, तेरे अकाउंटों में पड़े हुए हैं, वो वापस कर दे रहे थे, और तुम इनके ऊपर उंगली लगाते हो। सबसे बड़ा करप्ट फैमिली, सबसे बड़ा करप्ट आदमी राहुल गंदगी, और तुम इल्जाम लगा रहे हो अडानी पर, अंबानी पर, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। और ये ना इसका जो रोना है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जो राक्षस होते थे। राक्षस क्या करते थे, जब देवता अपना यज्ञ कर रहे होते थे
वो आकर उसको बिल्कुल खराब कर देते थे आकर। यही काम राहुल गंदगी भी इसमें इस देश के लिए कर रहा है कि जो जो काम कर रहे हैं उन्हें काम रोका जाए, और जो तरक्की भारत की हो रही है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्यों? इन्होंने काम कभी किया नहीं। इनको लगता है कि अगर ऐसे ही तरक्की चलती रही तो इनका, राहुल गंदगी का और इसकी फैमिली का, वापस सत्ता में आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए राहुल गंदगी, ना तो तुम भारत के बेटे हो, ना तुम्हारी माँ भारत की माता है, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। दूसरी चीज, ये धरती सनातनियों की है और सनातनियों की ही रहेगी। हमारे लूटे हुए जो पैसे हैं, जो अरबों डॉलर तुमने अपने खातों में लिए हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज, देश की हमारी प्रॉपर्टीज तुमने जब्त करी हुई है गंदी प्लानिंग के साथ, ये सारी हमें वापस करो। और उसके बाद हम तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकालने वाले हैं, ये जो याद रखना। लेकिन जब तक तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हें छोड़े ही नहीं हम। और उसके बाद तुम्हें खुद हम देश से बाहर छोड़कर आएंगे और वहां पर उसके बोलेंगे नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड गांधी फैमिली। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाय देयर, इफ यू लाइक द वीडियो Please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.